इस वीडियो में सीखेंगे आप लॉन्ग अम्ब्रेला सूट बनाना, वो भी सुंदर बोट नेक के साथ। और इसे बनाना मैं आपको बहुत आसान तरीके से सिखाऊंगी और सिखाते समय मैं आपको इम्पोर्टेंट टिप्स भी देती जाऊंगी, इसलिए आप वीडियो को पूरा देखिए और अच्छे से समझिए, जिससे आपको बनाने में आसानी होगी। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। सब्सक्राइब करें राधिका ट्यूटोरियल्स को सिलाई से जुड़ी हर एक चीज सीखने के लिए, और बेल बटन दबाएं ताकि मेरी हर एक वीडियो आप तक पहुंच सके। तो इस कपड़े को पहले फैला लेते हैं। तो इस तरह आप कपड़े को सीधा फैला लीजिए। एक कपड़े का अर्ज है और एक कपड़े की लंबाई है, ठीक है, एक कपड़े की लंबाई है। कटिंग हम लंबाई की साइड से करेंगे। और इसे बनाने के लिए मैंने इसको लिया है 3.5 मीटर। 3.5 मीटर में ये लॉन्ग सूट अच्छे से बन जाएगा और लंबी आस्तीनें भी आ जाएंगी। तो अब आपको क्या करना है कि लंबाई की साइड से इसको पकड़ना है और डबल कर देना है। तो पहले हम सूट की चोली निकाल लेंगे। इस कपड़े को थोड़ा खिसका लिया है और अच्छे से मिला लेना है। तो इस तरह आप कपड़े को अच्छे से फैला लीजिए। अब आपको क्या करना है कि जितने साइज के हिसाब से आप बना रहे हैं उसके हिसाब से आपको फैलाना है, और यहाँ पर 1.5 या 2 इंच का एक्स्ट्रा मार्जिन लेना है, ठीक है। जैसे कि मैं इसको बना रही हूँ 36 की साइज का, तो ये हो गया 9 इंच चौथाई भाग से, और ये हो गया है मार्जिन, ठीक है। तो इस तरह आप कपड़े को पलटिए जिससे कपड़ा वेस्ट नहीं होगा। अब उसके बाद क्या करना है, आपको अपनी पूरी लंबाई याद रखना है। इसके लिए आप चाहो तो अपने किसी पुराने सूट से नाप ले सकते हो। तो जैसे कि मैं इस सूट की लंबाई रख रही हूँ 52 इंच, उसमें से 15 इंच की चोली बना देंगे और 37 इंच का घेरा निकाल देंगे, ठीक है। तो पहले कटिंग करेंगे हम चोली की। तो यहाँ पे निशान लगाना है आपको चोली की लंबाई का। तो जैसे चोली की लंबाई रखनी है 15 इंच, तो यहाँ पे हम कटिंग करेंगे 16 इंच के हिसाब से। तो ये निशान लगा दिए हमने 16 इंच पर। तो 15 इंच इसका फिक्स रहेगा, आधा इंच नीचे का मार्जिन रहेगा और आधा इंच ऊपर का मार्जिन रहेगा। अब इस निशान को सीधा कर देंगे। इस तरह आपको सीधा करना है। उसके बाद अब निशान लगाना है आपको शोल्डर का। तो शोल्डर है इसका 15 इंच, लेकिन बोट नेक बना रहे हैं तो 1 इंच शोल्डर को कम लेंगे। ये मैंने आपको एक वीडियो में बताया है, अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो उसकी लिंक आपको नीचे मिल जाएगी। तो इसका शोल्डर रख दिया हमने 6.5 इंच, और ये हो गया है इसका मार्जिन। अब निशान लगाना है आर्म होल का। तो 6.5 पर लगा दिया है आर्म होल का निशान। इस तरह इसको मिला दीजिए। तो अब आपको यहाँ पर रखना है सीना का चौथाई भाग। तो जैसे इसको बनाना है 36 का, तो उसका चौथाई भाग होगा 9 इंच। 9 इंच पर यहाँ पे निशान लगा दिया। अब आपको नीचे निशान लगाना है कमर की साइज का। तो कमर है इसकी 30 इंच, तो उसका चौथाई भाग आएगा 7.5 इंच। ये निशान लगा दिया 7.5 इंच पर। अब इन निशानों को मिला देना है। अब इस मार्जिन के निशान को मिला देना है इस तरह। ये हो गया है मार्जिन। तो अब निशान लगाना है आपको गले की साइज का। तो इसकी गले की चौड़ाई रख रहे हैं 4 इंच। इस 4.25 में तैयार हो जाएगा। तो अब आपको इसकी लंबाई का निशान लगाना है। तो इसकी लंबाई रखेंगे 4 इंच और इसका बॉक्स बना देंगे। अच्छा बोट शेप के लिए आपको यहाँ पर 1.5 इंच पर निशान लगाना है और इसका आकार बना देना है इस तरह, और इस तरह मिला दीजिए। अब आपको यहाँ पर तिरछा करना है। तो इस तरह तिरछा करने के बाद अब आपको आर्म होल को 1/2 इंच पीछे लेना है और इससे मिला देना है। तो इस तरह पीछे ले लीजिए और इससे मिला दीजिए। इस तरह हमने इसको मिला दिया है। तो यहाँ पे 1 इंच के हिसाब से निशान लगाइए और इसमें गुलाई बना दीजिए। इस तरह मिला दीजिए। अब आपको इसी निशान के ऊपर कटिंग करते जाना है। इस तरह आगे के पार्ट की कटिंग हो गई है। अब आपको निकालना है पीछे का पार्ट। और मैं आपको बताना चाहती हूँ, अगर आप घर बैठकर सिलाई का कंप्लीट कोर्स करना चाहते हैं तो आप राधिका ट्यूटोरियल्स ऐप को जरूर डाउनलोड करें, जिसमें आप घर बैठ के कंप्लीट वुमेन ड्रेस कोर्स कर सकते हैं सिर्फ 3 महीने में।
और इस कोर्स में आपको बिगनर से एडवांस तक कंप्लीट सिलाई सिखाई जाएगी, जिससे आप आसानी से कोई सी भी ड्रेस बना सकें परफेक्ट फिटिंग और फिनिशिंग के साथ। और सीखते समय अगर आपसे कोई मिस्टेक होती है तो मैं वहाँ पर आपको गाइड भी करती हूँ। तो जैसे ही आप कोर्स ज्वाइन करते हैं, आपको मेरा व्हाट्सएप नंबर भी दिया जाता है, और जैसे ही आपका कोर्स कंप्लीट हो जाता है, आपको सर्टिफिकेट भी दिया जाता है कि आपने राधिका ट्यूटोरियल से 3 महीने की कंप्लीट ट्रेनिंग ली है। और ज्यादा जानकारी के लिए आप राधिका ट्यूटोरियल्स का ऐप डाउनलोड कर लीजिए, वहाँ पर आपको सारी जानकारी मिल जाएगी और ऐप आपको बहुत पसंद आएगा। तो पीछे के पार्ट को निकालने के लिए इस कपड़े को आगे की साइड खींच कर लीजिए और अच्छे से इसको मिला लीजिए। इस तरह मिला कर रखिए और आगे के पार्ट को उठाइए, इसके ऊपर रख दीजिए। अब आपको इसमें क्या करना है, सिर्फ आर्म होल की साइड थोड़ा सा चेंज करना है। यहाँ पे 1/2 इंच इसको बढ़ा दीजिए और इस तरह निशान लगा लीजिए और बस इस तरह मिलाते हुए इस तरह आना है और सेम निशान बना देना है। और आपको इसमें कुछ भी नहीं करना है, बस सेम निशान पर ही कटिंग कर लेना है। तो इस तरह आगे और पीछे के दोनों पार्ट निकल गए हैं। अब आपको निकालनी है आस्तीनें। तो इस कपड़े में से हमने साइड से दोनों पार्ट को निकाल लिए हैं। आप इस कपड़े को अपनी साइड खींच लेंगे और इसको पलट देंगे, जिससे इस साइड से इसकी आस्तीनें निकल आएंगी। तो इस कपड़े को पकड़ना है और इसको पलट देना है। इस तरह हमने इसको डबल में रख दिया है और अपनी साइड रख लेना है। जॉइंट वाली साइड अपनी साइड होनी चाहिए। अब आपको जितनी आस्तीन लंबी चाहिए उसका निशान लगा लीजिए। जैसे कि मैं इसको बना रही हूँ 17 इंच का, तो यहाँ पे निशान लगाएंगे हम 18.5 इंच का। 1 इंच जाएगा नीचे के मार्जिन में और 1/2 इंच जाएगा ऊपर की साइड मार्जिन में। तो पहले 1 इंच का निशान लगा देते हैं नीचे की साइड मार्जिन का। ये हो गया नीचे का मार्जिन। अब यहाँ से रखेंगे 17 इंच फिक्स और 1/2 इंच ले लेंगे ऊपर की साइड मार्जिन। तो ये निशान हो जाएगा 17.5 इंच पर। अब इसको सीधा कर देंगे। अब आपको दूसरा निशान लगाना है आर्म होल की साइज का। अब ये निशान आपको कैसे लगाना है हर साइज में, यहाँ पे मैं आपको डिटेल में समझा देती हूँ। तो ये उठा लिए मैंने चोली। अब आपको क्या करना है कि इस निशान को झुकाने के लिए आप इस निशान पे इंच टेप को रखिए और इस निशान पे। इससे आपको पता चल जाएगा कि दूसरा निशान आपको कितनी साइज पर लगाना है, ठीक है। इस तरह आप किसी भी साइज के आर्म होल का निशान लगा सकते हैं। जैसे कोई हेल्दी होता है और कोई पतला होता है तो उसी के हिसाब से निशान आते हैं। जैसे कोई मीडियम हुआ तो उसका निशान आएगा 2.5 इंच पर, और अगर कोई हेल्दी हुआ तो उसका निशान आएगा 3 इंच पर। तो ये निशान लगा दिए मैं 3 इंच पर। अब इस निशान को सीधा कर देंगे। अब यहाँ पे निशान लगाना है आपको मोहरी की साइज का। तो जैसे मोहरी 12 है तो उसका हाफ रखेंगे यहाँ पर 6 इंच और इस तरह मिला देंगे। अब आपको यहाँ पर रखना है आर्म होल की साइज। जैसे आर्म होल का निशान लगाया था 6.5 इंच पर, तो इसको 1/2 इंच बढ़ा कर रख देंगे। तो इस तरह निशान लगाने के बाद अब आपको यहाँ पर अपनी आस्तीन की पूरी गुलाई को चेक करना है। जैसे मैं आपको इसमें बता देती हूँ। अब जैसे आस्तीन की पूरी गुलाई चाहिए मुझे 16 इंच, तो इस तरह हम चेक करेंगे। ये हो गया 1/2 इंच ऊपर का मार्जिन, ठीक है। सिलाई मार्जिन को छोड़ते हुए इस मार्जिन के निशान से आपको इंची टेप रखना है और इस तरह अपनी आस्तीन की पूरी गुलाई को चेक करना है। जैसे मुझे 16 चाहिए तो ये फिक्स 16 आ गई है। तो इसी तरह आप अपने आर्म होल में आस्तीन की पूरी गुलाई को चेक कीजिए, जिससे आपकी आस्तीन अच्छी बनेगी। उसके बाद अब आपको इसी साइज को यहाँ पर भी चेक करनी है, जिससे आपकी आस्तीन छोटी नहीं होगी। तो इस तरह आप चेक करेंगे। पहले इस तरह निशान लगा लीजिए, इस तरह मिलाया, अब इस तरह चेक कर लीजिए। तो ये आ गई है परफेक्ट 16 इंच, ठीक है। इस तरह आपको निशान लगाना है, जिससे आपकी आस्तीन कभी भी छोटी बड़ी नहीं होगी। अब आपको इन निशानों को मिला देना है। बस इसको डार्क करिए और यहाँ पर सिलाई मार्जिन बढ़ा लीजिए।
तो जितना सिलाई मार्जिन आपने चोली में लिया है उतना ही आप यहाँ पर लीजिए और इसी निशान पर कटिंग कर लीजिए। इस तरह आपको आस्तीन की कटिंग करना है। अब आपको इस कपड़े को आगे की साइड खींच लेना है और इसी के ऊपर आपको इसको मिलाकर रख देना है। तो इस तरह आप बस मिलाकर रखिए और सेम काट कर निकाल लीजिए। तो इस तरह दोनों आस्तीनों की कटिंग हो गई है। अब आपको क्या करना है कि इसको खोल कर रखना है। इस तरह आप खोलिए और इसी के ऊपर दूसरी आस्तीन को मिलाकर रख दीजिए। तो इस तरह आप अच्छे से इसको मिलाकर रख दीजिए। अब आपको इसमें देना है एक साइड गहराई। तो इसी लाइन के अंदर से एक पॉइंट के हिसाब से आपको गहराई देते हुए इस तरह मिला देना है और इसे काट कर निकाल लीजिए। तो इस तरह रखना है आपको और इसी लाइन के अंदर से इसको काट कर निकालना है, जिससे आस्तीन की साइज छोटी बड़ी कभी भी नहीं होगी। ठीक है, इस तरह अगर आप सेटिंग करेंगे तो आपकी आस्तीन इधर से कभी छोटी बड़ी नहीं हो सकती है। अब आपको क्या करना है कि जो बचा हुआ कपड़ा है उसको मिलाकर डबल में फैला लीजिए। तो बचे हुए कपड़े को आप अच्छे से मिलाकर डबल में रख लीजिए। उसके बाद आपको क्या करना है कि इसका एक कॉर्नर पकड़ना है और इसको पलट देना है। इस तरह इसको पलट देंगे तो इस तरह इसका ट्रायंगल बना दिया। यहाँ पर जितना आपका अर्ज है उसी से आप अच्छे से इसको मिलाकर रख दीजिए। इस तरह आपको मिलाकर रखना है। तो इस तरह आपको एक नोक पकड़ना है और इसका ट्रायंगल बना देना है। तो यहाँ पर जितना ट्रायंगल बनता है उतना आप बना दीजिए और यहाँ पर जो इस तरह कपड़ा बढ़ता है उसको बढ़ जाने दीजिए, जिससे आपकी घेरे की लंबाई बहुत अच्छी आ जाएगी। उसके बाद अब आपको क्या करना है कि चोली उठाना है और इस कॉर्नर के पास इसको रखना है। इस तरह आपको चोली उठाकर इसके ऊपर रखना है और यहाँ पर अच्छे से मिला लीजिए। तो इस तरह आप चोली को मिला कर रख दीजिए। जहाँ पर आती है बस वहीं पे आपको रुक जाना है। तो इस तरह आपको इसको फिक्स करना है। अब यहाँ पे निशान लगा देंगे। एक निशान यहाँ पर लगा दिया है। अब आपको क्या करना है कि इस कॉर्नर से इसकी गुलाई को चेक करना है कि ये गुलाई सही है या नहीं। इस तरह चेक किया और इस तरह घुमाते हुए आपको इधर आना है। ये जितना ऊपर जा रहा है उसको चेक करना है और ये निशान ऊपर की साइड लगा देना है। तो इस तरह आपको इसका निशान लगाना है। अब आपको क्या करना है कि ऊपर की साइड लेना है सिलाई मार्जिन। ये ले लिया है सिलाई मार्जिन। अब आपको अपनी पूरी लंबाई का निशान लगाना है। जो आपकी घेरा की साइज है उसका निशान लगा लीजिए। जैसे कि मैं इसकी साइज रख रही हूँ घेरा की 37 इंच। तो ये हो गया फिक्स 37 इंच। एक इंच नीचे की साइज बढ़ा देंगे और ये निशान लगा देंगे हम 38 साइज पर। इस तरह अब आपको यहाँ पर मैं एक अच्छा आइडिया बता देती हूँ कि यहाँ पर आप रख लीजिए एक पेपर, जिससे जो भी कपड़ा कम पड़ेगा उसका निशान आप पेपर पर ले लेंगे, जिससे आपको ज्वाइंट करने में बहुत आसानी पड़ेगी। तो ये ले लिया हमने एक ड्राफ्टिंग पेपर और इसके नीचे मिलाकर इसको रख देंगे। इस तरह आपको इसको दबा कर रखना है, ठीक है, जिससे इसका सिलाई मार्जिन इसी में जुड़ जाएगा। इस तरह आप रखिए, इसको 1 इंच अंदर की साइड रख दीजिए। पेपर को 1 इंच अंदर की साइड रखिए। अब आपको यहाँ से अपनी लंबाई को घुमाते हुए जाना है और चेक करते जाना है और ये निशान लगाते जाना है। ये हो गया 38। फिर इंची टेप को आगे की साइड बढ़ाएंगे और इस निशान को इस तरह मिलाते जाएंगे। फिर इसी निशान से आपको मिलाते जाना है। अब इधर रखिए और यहाँ पर चेक कर लीजिए। तो इस तरह आपको घेरा का निशान लगाना है। तो देखा कितना आसान है इस तरह निकालना। अब मैं आपको यहाँ पर बता देती हूँ। तो जब आप यहाँ पर इस तरह का निशान लगाएंगे, गुलाई से चेक करेंगे, तो आपका घेरा बिल्कुल गुलाई से परफेक्ट रहेगा। ऐसा नहीं है कि कहीं पर ज्यादा हो रहा है और कहीं पर कम हो रहा है, इसलिए यहाँ पर गुलाई को चेक किया जाता है। तो देखिए कितना बेस्ट इसका गुलाई आ जाएगी।
यहाँ पर कोई भी आपका छोटा बड़ा नहीं होगा। अब आपको क्या करना है, बस इसी निशान के हिसाब से कटिंग करते जाना है। तो इस तरह आप घेरे की लंबाई को कंप्लीट कर सकते हैं। उसके बाद अब आपको क्या करना है कि इस पेपर को पकड़ना है और बचे हुए कपड़े पर रख देना है। तो जैसे ही कपड़ा डबल में था वैसा ही रखा हुआ है, बस इस कपड़े को इसके ऊपर रखेंगे और सेम काट कर निकाल लेंगे, जिससे इसमें जॉइंट आ जाएगा। तो एक बार आप फिर अच्छे से देखिए, इस पेपर को आपको इस तरह उठाना है और सेम लुक में इसको रख देना है। जैसा ये था वैसे ही आपको रखना है। अब सेम काट कर निकाल लीजिए। यहाँ पे आपको मार्जिन कुछ भी नहीं बढ़ाना है, बस जैसे ही पेपर रखा हुआ है वैसे ही इसकी कटिंग करना है। अब पेपर को अलग कर देते हैं। अब इसको मिलाकर इसके ऊपर रख देंगे। तो इस तरह अम्ब्रेला सूट की कटिंग कंप्लीट हुई। अब इसका बस एक साइड का जॉइंट खोलना है और इसमें यहाँ पे जॉइंट लगाना है और घेरा आपका तैयार हो जाएगा। तो अब मैं आपको एक बार पूरी कटिंग दिखा देती हूँ। तो अब आप देख सकते हैं कि ए इसकी चोली है और ए इसकी आस्तीन है और ए है इसका घेरा जो अभी 4 लेयर में रखा हुआ है। अब आप देख सकते हैं कि खुलने के बाद इसमें काफी घेरा आएगा और इसमें बहुत सुंदर लुक आ जाएगा। तो इस तरह अम्ब्रेला लॉन्ग सूट की कटिंग कंप्लीट हुई। अब आप बनाइए, ट्राई कीजिए और मुझे कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको शॉर्ट सूट पसंद है या लॉन्ग सूट। और अगर आप सिंपल सूट बनाना सीखना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को देखकर सीख सकते हैं। और वीडियो आपको पसंद आई हो तो मुझे लाइक और कमेंट करके जरूर बताइए। और अगर आपने अभी तक मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आप हर मंडे को कुछ नया सीखें। और अपनी बेल बटन को भी ऑन रखिए कि जैसे ही मंडे को न्यू वीडियो अपलोड होती है 12 बजे, तुरंत ही आपको मिल जाएगी और आपको वीडियो कहीं पर ढूंढने नहीं पड़ेगी। थैंक यू, धन्यवाद।